ये मंदिर नटाकले भोले वो सेफ्टी के लिए। तो आज एक राइड है मेन पार्ट के लिए, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। तो अभी लाइनअप हो गया है गाड़ी लोगों का और हम लोग आए थे OMP के भुवनेश्वरी मंदिर और यहाँ से निकलेंगे हम लोग। सुबह सुबह टाइम नहीं मिला इसीलिए व्लॉगिंग नहीं कर पाया। अभी से यहाँ पे स्टार्ट होगा अपना ये मंदिर और यहाँ पे अपना गाड़ी का नज़ारा। अभी कुणाल भाई का कॉल अप करने गए थे और कॉल अप करने के बाद आ गए हैं लाइनअप पे। और अभी जो शूटिंग हो रहा है कुणाल का GoPro से शूटिंग हो रहा है क्योंकि उसका मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है। भाई और उसके बाद अभी हम लोग OMP से निकल गए और आहिस्ते आहिस्ते ही चल रहे हैं। साइड में व्यूज बहुत अच्छे हैं। GoPro पहली बार मैं GoPro से शूटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास है नहीं तो देखने के लिए तो हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं और आपको दिखाने के लिए शूट भी करते हैं और राइडिंग करते हैं। आप कार में जाओ, आप ट्रेन में जाओ, आप प्लेन में जाओ, ये रास्ते का जो एंजॉयमेंट है ना वो नहीं पाता। कार में तो थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन ट्रेन और फ्लाइट में आप जाओगे तो खाली आप पहुँच एक स्टॉपेज से बैठ के दूसरे स्टॉपेज में पहुँच सकते हो, लेकिन ये जो एंजॉयमेंट है साइड में जो नेचर का जो और ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, कभी गर्म हवा चल रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, सब सॉल्व करके जो मज़ा आता है ना वो सब बाइक में ही आता है। इसीलिए बाइक राइडर बनना भी कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो अभी तो आराम से ही चल रहे हैं और मौसम भी बहुत ही अच्छा है तो चलते हैं आगे। और एक गुड न्यूज़ है जो कि है हम लोग का एक ग्रुप बनाया है झारसुगड़ा में, छोटा सा झारसुगड़ा बाइकर्स बटालियन, जो कि हम लोग ने नाम रखा है GSG बाइकर्स बटालियन। और अभी हम लोग 5 जन हैं और 5 जन ही राइड कर रहे हैं। ये छोटे छोटे राइड तो हम लोग कर ही रहे थे, ये वाला स्पेशली ग्रुप बनाने के बाद से पहला राइड है जो कि एक नेशनल राइड होने वाला है। जो कि नेशनल राइड मतलब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो मैं उसको नेशनल राइड बोल रहा हूँ इसीलिए। तो जैसे कि दूसरे देश में जाते हैं तो इंटरनेशनल राइड हो जाता है, तो ये भी एक नेशनल राइड है। अपना उड़ीसा से हम लोग जा रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में एक इंस्टॉलेशन है जिसका नाम है मेन पार्ट, जो कि मिनी तिब्बत भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। वहाँ पर तिब्बत का मोनेस्ट्री सब है और तिब्बतियन सब रहते हैं, वहाँ होटल सब है तो हम लोग उधर ही जाएंगे। और 1 नाइट स्टे का प्रोग्राम है, ज़्यादा नहीं, यहाँ से 230 समथिंग किलोमीटर है। रास्ता भी ठीक ठाक है कि नहीं पता नहीं, सब
सब नए हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारे से ज्वाइन करने के लिए, तो एक्चुअली हमारा एक कंडीशन है जो कि है राइडिंग गियर हमने अपना पूरा फिलअप होना चाहिए। जैसे कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एक हेलमेट रहना चाहिए, बूट रहना चाहिए, ग्लोव्स और राइडिंग जैकेट तो कंपलसरी है। तो अपने को राइडर है, जैसे कि राइडर की तरह ही जाना है, और क्या बोलूँ, और राइडर अपने अगर आपके पास है और आपका इंटरेस्ट है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप। और बाइक का ऐसा कुछ अपना कंपलसरी बाइक नहीं है, लेकिन अभी जितना भी है रॉयल एनफील्ड का बाइक है, कुणाल के पास है स्क्रैम 411 और रथो भैया के पास है, ये जो आगे जा रहे हैं रथो भैया के पास है क्लासिक 350 और मेरा है इंटरसेप्टर 650 और तन्मय भाई का है नया वाला हिमालयन 450 और थापा भाई का है DS6 2022 का हिमालयन। आपके साथ बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं अभी करमडी चौक के पास, और करमडी चौक से हम लोग को एक्चुअली लेफ्ट लेना है सुंदरगढ़ राउरकेला वाला NH अभी छोड़ देंगे हम लोग, और हम लोग जाएंगे करमडी हाईवे जो सॉरी फ्लाईओवर जो है उसके नीचे से होके लेफ्ट साइड में। तो चलो आगे आगे बढ़ते हैं और हम लोग उसके बाद जाएंगे सीधा सबडे का। सबडगा होके सबडगा से आगे बालसंकरा के आगे थोड़ा अपना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉपेज लिया था और थोड़ा बातचीत किए, थोड़ा पानी वानी पिए। लॉन्ग राइड में क्या होता है ना, लॉन्ग राइड मतलब 100-200 जितना भी आप चलाओ उसमें क्या होता है ना, थोड़ा हाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बीच बीच में रुक के कुछ खा के पानी वानी पी के आपके पास जो भी है इलेक्ट्रोलाइट है तो या एनर्जी ड्रिंक जो भी ले सकते हैं। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं है, हल्का हल्का बादल सा है, बारिश नहीं हो रहा है तो इतना गर्मी नहीं है तो आराम से चल रहा है। एक्चुअली अब व्यू का मजा लीजिए, मतलब आप बोलोगे कि शहर अच्छा है, लेकिन आप अगर जब गांव में जाओगे तो गांव में जब हरियाली रहती है पूरा ग्रीनरी सब, उसमें को देख के भी मज़ा आ जाता है। और रोड भी खाली पूरा कोई नहीं है, आराम से, लेकिन फिर भी हम लोग स्पीड मेंटेन करते हुए आप
स्पीडोमीटर भी देख सकते हैं, 80 से 100 कभी नहीं हो रहा होगा, 60 से 80, 80, 80, 80, 90, 80, 90 में ही गाड़ी चल रहा है आराम से।
लोग पहुंच गए हैं मेन पार्ट। बहुत लेट हो गया, रास्ता भूल गए थे तो थोड़ा घूम के आना पड़ा। तो फिर अभी हम लोग आ गए हैं टाइगर पॉइंट में और थोड़ा जाके देखते हैं कैसा है क्या है। और यहाँ पे थोड़ा जो आएगा खाना वाना पूरा सब कुछ है, गाड़ी वहीं पर रख दिए हैं। अभी हम लोग थोड़ा वो नीचे उतर के जा रहे हैं। सेल्फी स्टिक है सब है, भूल गया, सब गाड़ी में रखा हुआ है। अभी वहाँ तक थोड़ा जाएंगे और देख के आएंगे, जल्दी ही चले जाएंगे तो ज़्यादा नहीं घूमेंगे। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, टाइगर पॉइंट बोल रहे हैं। कुणाल भाई तो आगे आगे जा रहे हैं। ये है वाटरफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वाटरफॉल गिरता है। मैं जब मेघालय में गया था तो ऐसा वाला एक वाटरफॉल था जहाँ इसके कि वाटरफॉल के ऊपर से हम लोग देख सकते हैं। ये भी वैसी टाइप का है, वो डेंसलिन वाटरफॉल था, ये टाइगर वाटरफॉल है। अभी टाइगर हिल से हम लोग निकल रहे हैं और टाइगर हिल थोड़ा देख लिए, ज़्यादा टाइम भी 5 बज गया है और हम लोगों ने लॉन्च भी नहीं किया है। तो अभी टाइगर हिल से निकलने के बाद, टाइगर हिल क्या है, टाइगर हिल है एक्चुअली मेन पार्ट जो गांव है, टाउन तो नहीं बोल सकते मेन पार्ट को, मेन पार्ट गांव जो है उससे 10 या 15 किलोमीटर पहले आता है एक जंगल हिल के ऊपर एक वाटरफॉल है जिसको टाइगर पॉइंट बोल रहे हैं। और टाइगर पॉइंट से हम लोग नीचे वाटरफॉल देख सकते हैं। तो अभी इधर से चलते हैं और सब रेडी हो गया लाइन में सब के। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन पार्ट की तरफ, तो सोच रहे हैं अभी और कुछ थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वैक्स खा लेंगे और डायरेक्ट रात में लंच करेंगे। और ये तथा भाई किसी बाइकर से बात कर रहे हैं और पूछ रहा होगा कहाँ गए थे कैसे कहाँ जाएंगे बोल के। ये अगर हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो पहाड़ से उतर जाएंगे और इधर हम लोग राइट में गए तो पहाड़ चढ़ेंगे अभी और सीधा मेन पार्ट आएगा इस साइड से जाएंगे। तो चलते हैं, पहाड़ों का नज़ारा एंजॉय करते हुए आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। अभी थोड़ा स्क्रीन पे मैं हूँ क्योंकि कुणाल भाई पीछे रहेगा तभी जाकर मैं दिखूँगा, मेरा ये इंटरसेप्टर है वही हमेशा आगे रह जाता है तो बाइक सब दिखता नहीं है उसका GoPro में। अभी थोड़ा पीछे है तो बाइक सब दिख रहे हैं। ये घाटी का रास्ता शुरू होगा
घाटी में तो जैसे गोल 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 घूमते हैं वैसा वाला रास्ता आएगा सर। और साइड में देखिए क्या व्यू है मस्त, मतलब पूरा खाली ग्रीनरी ग्रीनरी है, बारिश भी नहीं हो रहा है तो आज का मौसम तो सही है रहा। और अभी चलेंगे और अभी पहले तो एक होटल ले लेंगे और होटल के बाद उसी वहीं पे बैग वैग रख के अगर टाइम हो सके तो जाएंगे और जो कोई जलजला है। जलजला बोल रहे हैं वहाँ पे शायद एक नीचे में वो जैसे क्या बोलते हैं उसको हम लोग हमारे लोकल उड़िया लैंग्वेज में दलदली बोलते हैं, जहाँ पे जैसे पैर घुस गया तो नीचे मतलब पूरा हल्का सा है जैसे मिट्टी ऊपर का, आप हिलोगे तो हिलेगा। तो देखते हैं अगर शाम तक हो पाया तो वहाँ पे जाएंगे और आज का दिन यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर कल शुरू करेंगे क्या हो रहा है कल सुबह सुबह क्या क्या प्रोग्राम में देखेंगे। अभी हम लोग मेनपाट विलेज में एंटर करते हुए अभी हम लोग जाएंगे पहले होटल ढूंढेंगे और आगे देखिए गाड़ी, ये भी ओडी 23 मतलब झारसुगड़ा गई गाड़ी। हम लोग जहाँ से गए हैं वहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पे आके लोग गाड़ी बुक करके इधर से जा रहे हैं। बहुत सारा ऑप्शन है कि उसके बाद देखेंगे अगर होगा तो फिर सेकंड पार्ट में अगर आएगा सब कुछ जो भी है। और आज का ये पार्ट वन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय। और चैनल को थोड़ा लाइक थोड़ा घंटी घंटी दबाओ यार, कुछ हो नहीं रहा है, 10,000 हो नहीं रहा है, 9,000 पे अटका हुआ है, थोड़ा घंटी घंटी दबाओ। और चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।